हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी सुबह के 6:30 बज गए हैं और ये रह रही थी जगाए बिना, इसे लेके चल दी। और मैं कह रही बेटा आज स्कूल में जाना, 2 दिन की छुट्टी तो बहुत हो, तो उन्होंने कह रही मुझे नहीं जाना। ये देख लो इसका सटीक जवाब एकदम, मुझे नहीं जाना। मैंने कहा चल नीचे चल, हम बताओगे तुझे जाना या नहीं जाना, आज तो जाना ही पड़ेगा, आज तो तबीयत ठीक है। अब तो रात को तो 1 बजे तक नहीं सोते ना सोने देते, हमारी तो ड्यूटी है सुबह जल्दी उठने की। यार ये देख लो, नू कह रही है आज मुझे नहीं जाना, कार्ड इसका भी मुझे नहीं जाना। सबसे पहले ब्रश कर लेती है और यानू कह रही मुझे नहीं जाना। एक दो दिन की छुट्टी लग तो ही पूरे संडर आ जा। सबसे पहले जगा के भेज देते बड़े वाले को, और जब तक मैं नीचे आई ये ना बेलिए। राम राम करो सबको, राम राम, राम राम ले लिया जी सबके सब इसकी। और देखो अभी भी नंदू अब नहीं बोलने की, देख प्रीति इसके चेहरा देख इसका कैसा बना रही। आरुषि कहाँ है भाई? आपको ही ना आया है, नू आया प्रीति? मम्मी 2 दिन की छुट्टी लगते फिर नहीं जा रही। हेलो जी, गुड मॉर्निंग जी, राम राम, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू ए न्यू ब्लॉग। और देखो आपको मूड से ही पता चल गया होगा, उठ के चल दे आरुषि, आज सुबह से ही ऐसा है। ऐसा नहीं कि ये अचानक हुआ है बेटा, बताओगे क्या हुआ है? हैं, आप बोलते क्यों नहीं? आपके साथ किसी का झगड़ा हुआ है क्या? तो सुबह सुबह अभी मूड थोड़ा सा ऑफ है आरुषि का, लेकिन कोई बात नहीं भाई, इन्हें चाय पानी नाश्ता पानी करवा के ना, हो सकता है भूख लग रही हो, सही हो जाएगा। छोटे वाले 3 बच्चों से जो थोड़ा बहुत सही सा मूड है वो है आज आरुषि का, बाकी 2 का बिल्कुल ख़राब चल रहा है। 1 का थोड़ा ख़राब है और 1 का तो डेरी ख़राब है, और तो जाने के मूड में भी नहीं। तो भाई तेरा कैसा है? अच्छा है? और नाश्ता पानी खाने मजा आएगा आज तो? आज फ्रेंच फ्राइज बनाए। फ्रेंच फ्राइज बनाए, कर लो फटाफट से। जब तक जो है इन 2 बच्चों को मूड सही करने की कोशिश करते हैं। एक तो नंदनी ना के आ गई है, और आरुषि, आरुषि का तो लग रहा है मुझे कुछ थोड़ा बहुत ठीक हुआ है। देखो है, हाँ है आराम पहले से। ये देख कितने नज़दीक मुड्डा गिर के बैठा भाई, थोड़ा सा पीछे हो ले, कुछ तो गर्मी हो ही रही, यहाँ तो आँच लगेगी तुझे। और भी इतने नज़दीक नहीं बैठा करते, तेल की कढ़ाई है और फिर गर्मी भी है। थोड़ा सा पीछे करो, करो पीछे हो बेटा, और करो थोड़ा सा और, हाँ कम से कम इतनी दूरी बनाए रखें, और आप भी दूरी बनाओ रखो बेटा। मज़े आ रहे हैं बहुत फ्रेंच फ्राई में तो बहुत। लौकी तोरी, बैंगन, टिंडे, भिंडी, ये ला के धरूँगा आज। हैं क्या लग रहे नमकीन पे, मज़े आ रहे फ्रेंच फ्राइज खा के। तो भाई आज का जो है नई नई क्रिएशन वाला प्रोग्राम कहाँ तक पहुँचा है वो जगह भी आपको दिखाऊँगा, और वहाँ घटना स्थल पर आपको लेके चलूँगा। तो फिलहाल कैमरामैन से मैं गुजारिश करूँगा कि वो सब चीज़ दिखाए जो यहाँ के हालात हैं, जो यहाँ पे घट रहा है फिलहाल। तो चलो जी यहाँ पे चलते हैं। पहले नु बताओ इसमें और गिरूँ क्या? क्या? ये मट्टी तो भाई यहाँ तो मेरी सलाह ले रही है ये न्यूज एंकर की, कि यहाँ पे क्या करना चाहिए। और फिलहाल मैं बता दूँ यहाँ जो हो रहा वो ये हो रहा कि भाई जो हल्दी है हमारी, ये देखो एक प्लास्टिक के बोरे में रखी थी है। और भाई जिसे उगना होता है ना वो कहीं भी उग जाता है, तो उगते हुए को कोई नहीं रोक सकता, उसमें चाहे वनस्पति हो, घास हो, पेड़ पौधे हो, या फिर कोई आदमी हो। तमी नहीं उगन दे रही से, मैं तो सोच रही हूँ कहीं लग जाती है बिलो तो बहुत सारी हो जाती। ये देखो ये सारे इल्जामात जो हैं मैं अपने सर मुझे लेने पड़ते हैं। फिलहाल ये क्यारी है भाई, ये बहुत दिनों से पड़ी थी खाली, इसमें ये रेत है, ये मिट्टी नहीं है, ये पीला रेत है, खेतों का ही है ये भी। ये डाल दिया और इसमें लगा दिया हल्दी, क्योंकि ये उगने लग रही थी, ये सुखाई नहीं थी, ये बीज था हल्दी का और ये इसमें ही रखा है। और ये आया था भाई ससुराल पक्ष की ओर से, क्योंकि वे हल्दी उगाते हैं खेत में अपने, और वे कह रहे थे कि अपने घेर में भी लगा दिया, तो घेर में लगाने की कंडीशन अभी बनी नहीं है, बीज में बहुत सारी है। कल से ये फ्रिज यहाँ रखा हुआ था, तो इसकी भी आज क्लीनिंग कर दी, डीप वाली करी, देखो बिल्कुल क्लीन कर दिया, अंदर से एक पार्ट निकाल गया इसका, बिल्कुल साफ़ हो गया। और अभी इसके पार्ट मैंने सूखने के लिए रख रखे हैं भी धूप में, और इसका स्टैंड भी साफ़ कर दिया, फिर इसे वहीं लगाऊंगी किचन में, और जब चाहो तब चला लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही थी इसमें भी।
तो कई सारी चीज़ें ना नीचे की देखते हैं ऊपर की इग्नोर करनी पड़े, क्योंकि काम करने वाले दो जने, काम इतना सारा, तो फिर एक तरफ का मुझे थोड़ा सा इग्नोर करना पड़े तब जाके ये काम हो गए। तो खैर कोई नहीं, ये भी साथ के लगे आती, ये भी काम हो जाएंगे और ये भी हो गया। अब मुझे यही हो रहा है इसमें, और थोड़ा सा ये डाल दूंगा मिट्टी ला के इसमें भी ना। चलो ऊपर वाली ट्रे और खाली करेंगे, दो चार गांठ उसमें दाब देंगे, जो ये रखी रहेगी ना जहाँ दाबने का मौका लगेगा वहाँ दाब देंगे फिर, ठीक है ना। चलता बिना ध्यान दे और बिना मेहनत करे खेती का क्या हाल हो जा, कितनी खरपतवार, कितना यहाँ पे अनचाह घास जो कि भाई खेत में जम गया हमारे। और ये है हमारे मैरीगोल्ड के पौधे और इन पे कलियां आ रही है अभी, फूल पता नहीं आवेंगे या नहीं, फिलहाल हम इसे साफ करेंगे। आ रही कलियां, अच्छा अब आई होंगी इसमें, है ना, इसमें आ रही है, इसमें हटा दूंगी यहाँ पे। और इसका मूड है ना उखाड़ने का, और खेत है ये बिल्कुल गिल्ला, इसमें पानी भर रहा, पानी निकलने की इसमें जगह नहीं थी। तो ये जो है रेनोवेशन चल रहा है यहाँ पे खेतों का, कैसा वो कर रखा जड़ में, जड़ें बहुत गहरी होती हैं, अनचाह घास हो चाहे इसमें अनचाह कुछ भी हो, उनकी जड़ें काफ़ी गहरी मिलती हैं। इसमें जो पार दूंगी तो फिर ये सूख सी जाएगा, फिर इसमें लगा दूंगी। अभी तो सूखने में भी टाइम लगेगा फिर इसके, हाँ। तो अभी ये खेत खाली करने के ऑर्डर आ गए हैं ऊपर से, और ये कृषि अनुसंधान केंद्र बना हुआ है हमारा अभी फिलहाल के लिए तो, पर देख के चाहिए भाई यहाँ पे जो एक्सपर्ट हैं कृषि वैज्ञानिक क्या क्या करेंगे इसमें, आराम से मिट्टी बाहर न किंडा है। घर के एक एक कोने को चमकाने की बारिश, तो ये देखिए यहाँ पे जो हमारे उपले स्टोर किए गए थे तो वो जगह खाली हो चुकी है, और इसमें मुझे सारा कूड़ा लेके चलना है नीचे, तो ये भी इकट्ठा कर लिया और यहाँ से सब कुछ हटेगा। और जो ये मेरे पीछे इकट्ठा रखा इसमें रखी है आम की लकड़ियाँ, क्योंकि जब भी हम पूजा करवाते हैं तो आम की लकड़ियों की जरूरत पड़ती है, तो ये एक्स्ट्रा रखी थी, तो इन्हें सुखा के फिर हमन करवाना है, तो देखते हैं काम आ जाएंगी है। चलो भाई ये वाला कोना भी साफ हो गया, अब अगस्त में दो तीन बट्टे हैं भाई घर में, तो बच्चों को जो है पूरा उत्साह है और रोज याद दुआ है फलाने का इस तारीख में, डिगड़े का इस तारीख में, मगर भाई दुआ जो याद में भी लग रही है अपना धीरे धीरे अपने काम पे एकदम, तो दिखे मेरे को सब कुछ होने का नहीं। तो ऊपर से कूड़ा लाने के बाद में फिर ये फ्रिज सूख गया था, मैंने इनसे बोला कि आप इसे रखवा दीजिए क्योंकि ज़्यादा धूप लगी हुई भी ज़्यादा ठीक नहीं है, कलर भी उड़ता है और वैसे भी सामान कमज़ोर होता है। तो ये सूख गया था, अभी इसमें कपड़ा भी मार दिया था मैंने, अब इसको अंदर किचन में वहीं पर सेट कर देते हैं जहाँ पर रखा हुआ था, क्योंकि कल मैंने उसकी साफ़ सफ़ाई कर दी थी और पोछा भी लगा दिया था, आज झाड़ू लगानी थी पर झाड़ू लग गई थी, तो स्टैंड में पहले ही रख के गई थी जिससे कि इसे रखने में आसानी हो जाए। एक बार में ही ये अच्छे से सेट हो गया और अब इसे स्टैंड पे रख के ऐसे पीछे खिसका देंगे। और आलू ना ऊपर वाले स्लेब पे रखे हैं क्योंकि नीचे से ना चूहे भी रहने लगते हैं फिर यहाँ पे किचन में, भले ही सारे में पक्का हो लेकिन फिर भी चूहे परेशान करते हैं और फिर सामान भी काटना शुरू कर देते हैं। तो इसके जितने भी पार्ट है अभी इनको भी सेट कर दूंगी मैं। और गर्मी तो है ही बहुत ज़्यादा लेकिन काम भी घर के बहुत सारे होते हैं, कभी कभार हम क्या करते हैं कि कई सारे काम इग्नोर करते हैं, तो वही मेरे साथ में हो रहा था, मैं ऊपर आती थी लेकिन मुझसे देखे नहीं जाते ये सारी चीज़ें। फिर मैंने सोचा कि जैसे जैसे मुझे थोड़ा थोड़ा भी टाइम मिलेगा तो मैं इन्हें करती रहूँगी, नीचे के भी काम के बहुत सारा बर्डन होता है फिर प्रीति के ऊपर ना इस वजह से। और गर्मी बहुत ज़्यादा है, देखो गर्मी सबको लगती है और बीमार होने का भी डर रहता है एक दूसरे का, कि अगर ये बीमार हो गया किसी कारण तो फिर क्या होगा कि एक जने पे ही सारा बर्डन आ जाएगा। अभी माँ की भी ट्रीटमेंट चल रही है, उनका जो पेन है उसमें काफ़ी आराम है, अभी देखते हैं जब तक थेरेपी चल रही है तब तक ही है या फिर बाद तक, क्योंकि उन्हें एक तो एक्सरसाइज करनी है तीनों टाइम, तो वो लगी रहती है अपने उसमें ही, और ज़्यादा कुछ तो है नहीं। माँ को बोला गया है कि अच्छे से पैर को सीधे करके रखना है, माँ ना कई बार ऐसी शेप में बैठ जाती थी कि पैर में दर्द हो जाता कमर में गैप आते ही, तो यहाँ पर इसके बातों बातों में मैंने सारे पार्ट जो हैं वो सेट कर दिए हैं। ये वाला काम भी हमारा निमट गया, और चलो लाइट बंद कर दो, पहले लाइट बंद करनी भूल जाऊँ हर बार, लेकिन लाइट बंद करने के लिए ज़रूर बोल ले गया, तो अभी रसोई बंद कर देते हैं। तो ये वाली गली हमारी क्लीन हो चुकी है, ऊपर वाला रूम रह गया बस। तो चलो काम तो बहुत सारे होते हैं घर में लेकिन एक दिन में कब्जे में नहीं आते बिल्कुल भी। हल्दी भी लगा दी, इसमें पानी डाल दिया जो बची हुई है, और जो कल वाली ट्रे जो ऊपर वाली ट्रे खाली करके आई, अभी इसमें थोड़ी सी धूप लगने दी है, शाम के टाइम डाल दूँगी इसमें जितनी भी गांठ बची हुई है।
और कुछ गैर मकाम आ जाइए। तो फिलहाल मैं आ गई थी यहाँ पर ऊपर वाले रूम में और मेरे कपड़े सिलकर आ चुके हैं। ये देखो, इसमें जो जो मैंने सिलवाने के लिए दिया था, काफ़ी दिनों बाद आए हैं कपड़े। एक साड़ी तैयार करने के लिए थी, दो सूट सिलने के लिए दिए थे। तो चलो जी, अभी आपको दिखाते हैं कैसे सिले हैं मेरे कपड़े। पापा जी नमस्ते। अरे नमस्ते बेटा, जीते रहो पुत्र, जीते रहो, जीते रहो। आयुष्मान भाव, यशस्वी भाव। नंदनी ने परेशान तो नहीं किया था स्कूल में? माँ का सुबह जैसा मना कर रही थी, कभी परेशान कर दी हूँ। कोई बात नहीं, नहीं वो वैसे ही हो रही थी, नाराज सी हो रही थी। गाइज मैं एक बात सोच रही थी, ये वाला कलर मेरे पास में कुछ ज्यादा ही हो गया। जैसे एक बार येलो येलो हो गया था, एक बार रेड रेड, और अब ये वाला कलर हो गया। मुझे लग रहा है जो ये ब्लाउज है ना जिसकी, ये वाला कलर भी पहन रखा मैंने कुछ कुछ ऐसा ही, और जो ये सूट सिलवाया ये भी ऐसा ही। और अभी मुझे इनकी जो है फिटिंग चेक करनी है पहन कर, तो जो मेरी टेलर है उन्होंने बोला है कि एक बार चेक कर लेना और फिर मुझे बता देना। तो देखो जी, देखना पड़ेगा पहन के। तो ये वाला एक तो कलर ये है, और ये वाले सूट ना मैंने सूरत से ही ला रखे, जो पिंकी दीदी को दिए थे ना, और नीलाक्षी बहन को, ये सारे कपड़े मैं वहीं से लेके आई थी। और मैंने सोचा था कि एक एक दो 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 जोड़ी हम भी सिलवा लेंगे, मैं और प्रीति, और सबको दे भी देंगे, क्योंकि यहाँ से भी हमें खरीदना ही पड़ता है। तो एक ये हो गया। बताइए जी कैसा लग रहा है, ये वाला कपड़ा बहुत अच्छा है, सॉफ्ट एकदम कॉटन का। एक तो ये वाला हो गया, और एक हो गया येलो कलर का। और येलो कलर के भी मैंने कई सारे सूट पहन लिए जब से वीडियो बनानी शुरू करी तब से, लेकिन इसका जो डिजाइन है वो थोड़ा सा अलग है डिजाइन इसका। तो बॉटम सलवार ही अच्छी लगे मुझे, ज़्यादा कंफर्टेबल मैं उसमें ही रहूँ, तो वही सिलवाई मैंने। तो येलो कलर का भी सिलका गया, इसका प्रिंट कुछ ऐसा है, डिजाइन कुछ ऐसा है, कपड़ा इसका सेम सा ही है। और देखो ज़्यादा वैसे प्रिंटेड कपड़े बहुत कम पहनना है, लेकिन अभी हम सोच रहे कि ऐसे वाले सूट कम करके अब की बार मैं और प्रीति ना अपने लिए प्रिंटेड कपड़े, सूट और कुर्ता जो भी कुछ है, इस तरह के लाऊंगे जैसे मैंने पहन रखे, ये भी अच्छे लगे पहन के। तो अभी ये रही साड़ी, ब्लाउज आगे सिल के इसकी, ये देखो। और त्यौहार भी अब हमारे शुरू हो जाएंगे रक्षाबंधन से, और ये मैंने तैयार करवा ली, कहीं भी पहन के भी जानी पड़ जा, या फिर किसी फंक्शन में पहन लें, कुछ इस तरीके की है। इस पर डिजाइन ये देखो नीचे की साइड में यहाँ पे, और ये है इसका पल्लू। ये वाले पल्लू पे जब ये लगे हुए हैं ना, ये फंदे से लगे हुए हैं, तो ये मुझे बहुत बढ़िया लगे हैं, क्योंकि साड़ी का जो तय बन गया है ना, पल्ला बना हुआ है जब, वो बहुत बढ़िया लगे हैं, गोल्डन कलर का है, और इस पर कुछ इस तरीके से डिजाइन है। तो ये वाला कलर भी बताइए साड़ी का कैसा लगा, क्योंकि साड़ी में तो मैं ये वाला कलर पहली बार ही पहन लूँगी, सूट तो मैंने कई सारे पहन लिए। तो दुपट्टे इनके ये हैं, तो दुपट्टे कुछ बनारसी से मैं इसके, ये देखो कॉटन भी है और बनारसी भी है इस तरीके के, कितने अच्छे दुपट्टे हैं, ना फिसले ना कुछ, ना मतलब इतने हार्ड से नहीं लगते, ऐसे भी डाल सकें, साइड से भी डाल सकें, और सर पे भी आराम से रख सकें ये वाले दुपट्टे। भाई अभी मेरे कपड़े तो सिल के आ गए, लेकिन मैं साहब से भी बोल रही कि आप भी अपने एक दो जोड़ी कपड़े बनवा ही लो, और फिर आप मुझे तन्ना मार दे रहो कि मेरे पास कपड़े नहीं है, मेरी टी शर्ट पुरानी होगी, मैं यही पहनता रहूँ, फिर साथ के साथ जो एकदम से पसंद नहीं किए जाते। तो चलिए जी, इनकी भी शॉपिंग एक दो दिन में होगी ज़रूर, और मुझे जाना पड़ेगा इनके साथ में, अकेले तो जानेंगे नहीं मुझे ऐसा लग रहा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस व्लॉग का कर देते हैं यहीं पर एंड, और आपसे मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग के साथ। व्लॉग पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर न तो सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, सबको हमारी राम राम, जय माता दी।